यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने आजकल हर जगह गांव में जाकर लोगों के साथ रुपए में हाथ बटा रहे हैं। धने ने कहा कि खेती गढ़वाल के लोगों का हथियार है और खेती के बल पर पहाड़ में विकास हो सकता है। उन्होंने कहा, यदि हमारी पार्टी 2022 में मौका मिला तो हम खेती को मनरेगा से जोड़ने का कार्य करेंगे। बता दें, दिनेश धने गांव-गांव जाकर लोगों के साथ रुपए लगाने का कार्य कर लोगों के साथ हाथ बटा रहे हैं, जिससे लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आज इन्हीं की रुपाई है, इसमें हम लोग भी शरीक हुए। तो चूंकि सब लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग भी अगर आज खेती बाड़ी जिंदा रखी, आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि ये लोग भी कहीं ना कहीं आज विकास की दौड़ में ये भी सम्मिलित है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी जो खेती बाड़ी पे इनका ध्यान है वो मैं समझता हूँ कि भविष्य के लिए सबसे खेत भी है। और मैं जिस ढंग से देख रहा हूँ, सारे जो सेरा है, जो ये सिंचित खेत है, ये सब आज बंजर खेतों में तब्दील हो रहे हैं। मैं बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि खेतों में जहाँ इस समय धान की खेती होनी थी, वहाँ आज घास उग रही है। मैं उम्मीद करूँगा और मैं देख भी रहा हूँ इसके जो इसके परिणाम है, बहुत सकारात्मक परिणाम है। और भविष्य में, जैसे मैंने कहा कि हम खेतीबाड़ी को मनरेगा से भी जोड़ने का काम करेंगे, जब हमको अगर जनता ने नीति निर्धारण मंडल में अगर भेजा, हमको इस प्रदेश की जो सर्वोच्च सदन है विधानसभा अगर वहाँ भेजा, तो निश्चित तौर पर हम अपने क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र के संपूर्ण जो काश्तकार है, किसान है, उनको मनरेगा के तहत हम खेतीबाड़ी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।